गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। राम राम नमस्ते सभी को। और आज है सैटरडे और फिलहाल अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम थोड़ा बाहर घूमने निकल चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त मुझे ज्वाइन करने वाला है। अभी मैं थोड़ा उससे आगे जाके मिलूंगा, तो मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों साथ में जाएंगे घूमने और आपको भी दिखाएंगे आर्मेनिया थोड़ा सा। और अभी वहाँ पे सामने वो हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके मेरा दोस्त मुझे अभी मिलेगा और फिर हम जाएंगे घूमने। और ये देखो भाई, आज थोड़ा खाली है सड़कें। क्यों? क्योंकि आज ऑफ है, सैटरडे है, इसलिए खाली खाली सड़कें हैं थोड़ी। और अभी मैं वहाँ चलता हूँ और अपने दोस्त से मिलता हूँ, तुम्हें भी मिलवाता हूँ। लो भाई, पहुँच गए हैं यूनिवर्सिटी पे और अभी देखो मेरा दोस्त आ चुका है वहाँ पे। क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। और अभी हम दोनों साथ में जाएंगे घूमने, मतलब जा ही रहे हैं, घूमने जाएंगे क्या, जा ही रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये है यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी आर्मेनिया की, येरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये देखो भाई, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो भाई अभी हमारा थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, मैंने बोला कि हम कहाँ घूमने जाए, तो इसने बोला कि हम नॉर्दर्न एवेन्यू चले, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया नॉर्दर्न एवेन्यू गए हुए। मैंने बोला कि नहीं, नॉर्दर्न एवेन्यू नहीं, कहीं और चलते हैं, वहाँ तो हम घूमते रहते हैं। बट इसने बोला नहीं भाई, नॉर्दर्न एवेन्यू जाएंगे। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, इतने दूर से आया तो वहीं चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये भाई साहब घर से कुछ खा के नहीं आए, अभी इन्होंने बोला इनको कुछ खाना है तो अभी ये खाने आए हैं शोरमा यहाँ पे। लो भाई, शोरमा खाने आ चुके हैं और यहाँ पे देखो इस तरीके से जो भी आपको शोरमा के अंदर डलवाना है उनमें से कुछ भी डलवा सकते हो। ये देखो भाई, अपना शोरमा तैयार हो रहा है, तो खाएंगे अब। लो भाई, यहाँ आ चुका है अपना शोरमा और अब खाएंगे इसको, खाने के बाद मिलते हैं। चलो भाई, शोरमा वोरमा खा लिया है, अब हम चलते हैं आगे। थोड़ा रात होने वाली है यार, सर्दियों में यहाँ पे थोड़ी जल्दी सूरज छिप जाता है, तो चलते हैं नॉर्दर्न एवेन्यू। ये देखो कितना सुंदर लगता है यार रात को, और अच्छा है यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला सिस्टम बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है यहाँ पे। रेड लाइट पे भी अगर तुम जाओगे ना, तो जब तक वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइट नहीं होगी ना, अब क्रॉस नहीं कर सकते। ये देखो अभी हम पहुँच चुके हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, दिखाते हैं तुम्हें। ये देखो यहाँ पे लाइट जल रही है ना, और वो ग्रीन होगी ना तभी हम जाएंगे, और यहाँ पे ना गाड़ी रुक जाएगी। तो ये सिस्टम यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। आप ग्रीन लाइट होगी तभी आप वो करेंगे। ले भाई देखो, सारे पेड़ सूख चुके हैं ठंड के चक्कर में, साफ। और अभी टेम्परेचर हो रहा है 1, और जैसे ही रात होनी और चालू होगी ना, तो ये टेम्परेचर चला जाएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में नहीं मतलब चला ही जाता है, मतलब बहुत अच्छा खासा चला जाता है, ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट स्टिल नेगेटिव में चला जाता है। और भाई मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ और बताता हूँ, आर्मेनिया में ना हर मेडिकल स्टोर के सामने ना ऐसा साइन बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ना आपको दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे फार्मेसी है, और आपको ना इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, तो आप सीधा देख के ना दूर से भी आप पहचान सकते हो कि वो फार्मेसी है, और आप ना वहाँ पे जाकर फिर सीधा अगर आपको कोई मेडिसिन या कुछ भी चाहिए आप ले सकते हो। लो तो भाई, पहुँच लिए अब हम नॉर्दर्न एवेन्यू के पास, जगह स्वान लेक, वहाँ पहुँच गए। और अभी फिलहाल वहाँ पे आइस स्केटिंग बनाई हुई है उन्होंने, पानी वाली सारा निकाला हुआ है, तो अभी यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग करेंगे, अभी चालू हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, यहाँ से शूज़ वगैरह खरीदने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से निकल के उधर से पीछे से यहाँ पे आइस स्केटिंग होती है। ये देखो, उधर से नॉर्दर्न एवेन्यू चालू होगा। ये देखो कितना मस्त। एक और चीज कि यहाँ पे ना भाई, आप कहीं भी बैठ के ना, ऐसे अगर आपको गिटार पियानो या कुछ भी ऐसा डांस अगर कुछ आता ना, गाने चला के आप शाम के टाइम पे डांस वगैरह कर सकते हो, पियानो बजा सकते हो या गिटार जो भी है, मतलब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये लो भाई,
ये पहुंच गए नॉर्दर्न एवेन्यू, ये अपना पूरा नॉर्दर्न एवेन्यू है लास्ट तक, तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा इधर पूरा नॉर्दर्न एवेन्यू। कभी भी कोई भी आर्मेनिया घूमने आए ना, येरेवान आर्मेनिया की कैपिटल है, यहाँ पे अभी हम रहते हैं, तो वहाँ जरूर आए, यहाँ पे नॉर्दर्न एवेन्यू जरूर आए घूमने, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है यहाँ पे घूमने के लिए, या मतलब बहुत सारी खाने की चीज़ें भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जरूर आए अगर कोई भी आर्मेनिया घूमने आए तो। एक्टिविटीज कुछ ना कुछ ना चलता रहता है। अभी ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इसका नाम है पारमा सुपरमार्केट है, पारमा सुपरमार्केट, और ये 24 आवर्स खुली रहती है, कभी भी कुछ भी किसी को कुछ भी चाहिए ना तो ये वहाँ पे आके कभी भी ले सकते हैं। उसके बगल में कॉफ़ी हाउस भी, वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं। और ये देखो ये है नॉर्दर्न एवेन्यू, देखो कितना सुंदर है। सुंदर लग रहा है, बहुत ही मस्त, बहुत मस्त, बहुत मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और अभी एक लड़का ना आगे जाके ना गाना गा रहा है, मैं आपको दिखा सकता ये देखो हो चुकी है ऑलमोस्ट रात, और ये देखो रात को कितना अच्छा लग रहा है। देखा भाई आपने कितना सुंदर लग रहा है रात को, भाई काफी देर हो गई घूमते घूमते, तो ठंड सर्दी लग रही है तो कॉफी पीते हैं, कॉफी हाउस में चलते हैं, कॉफी पीनी है भाई साहब। ठीक है भाई पी लेते हैं कॉफी हाउस, वन ऑफ द बेस्ट चीज है यहाँ पे, जहाँ की कॉफी मतलब बहुत ही अच्छी चीज मिलती है, बहुत सारी वैरायटीज हैं, अभी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये लो जी पहुंच चुके कॉफी हाउस, कॉफी सारी ऊपर कॉफी है, कोई भी कॉफी चाहिए तो ऑर्डर लेना, इधर से पिकअप करना है। और ये देखो जो बटन लगती है ना उसके लिए यहाँ पे आग भी जलाई हुई है, तो यहाँ पे आप जाके आग गर्म कर सकते हो, अपने आपको कॉफी पी सकते हो। तो ये देखो वहाँ से हमारे थे पूरा, और यहाँ बिल्कुल लास्ट तक अब हम पहुँच चुके हैं, पूरा नॉर्दर्न में जो बोलते हैं इसको पूरा लास्ट वहाँ पे। तो भाई कौन जा रहा है, काम कर भाई कॉफी, जल्दी कॉफी ले, बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल जल्दी जा कॉफी ले, जा 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 कॉफी लेने। हाँ कर दी कॉफी, कौन सी स्नीकर कॉफी, चलो सही है, चलो भाई कॉफी आ गई अपनी, ला भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो हो दिल भी बना रखा भाई इस पे, तो वैसे दिल का कोई फायदा है तो नहीं, कोई फायदा है क्या दिल का, नहीं नहीं कोई फायदा, दिल मत दियो किसी को गलत हो जाएगा। चलो तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फ्री हो चुके हैं, और अब हम चलते हैं अपने घर, और हाँ अभी तो अपने को थोड़ा फूल वगैरह भी खरीदने, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, जय भोले बाबा की सभी को, बोल दे भाई जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की सभी को, घर जाके थोड़ी पूजा वूजा करेंगे भाई, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है ना, कुछ भी नहीं है, मानो मत मानो, हाँ क्यों भाई, बिल्कुल भगवान सब सुन, हाँ चलो।
लो इतने ठंड में भाई लोग सारे स्केटिंग कर रहे हैं और हम यहाँ घर जा रहे हैं वापस। हाँ भाई इतने ठंड में तू कर लेगा आइस स्केटिंग? कभी करी है तूने? हाँ पहले की थी काफी बार। भाई मैंने भी करी थी एक बार बट थोड़ा सिस्टम खराब हो गया था पीछे लग गई थी। ओए हेमंत रुक भाई कहाँ जा रहा है? इधर तो आ सुन मुझे एक बात बता दो भाई। तूने मुझे बोला था कि महाशिवरात्रि का व्रत रखा है तूने और अभी तू कॉफी पी के आ रहा था च्युइंगम खा रहा था। भाई सॉरी गलती हो गई मेरे से, मेरे को याद नहीं रहा। गोलीबाज यही है वो दोस्त मेरा गोलीबाज। पूरा मन था मेरा कि मैं फास्ट रखूंगा। चल झूठे लो जी पहुंच गए फूल लेने। अब यहाँ देखते हैं कहाँ है ये फूल वूल लेने। भाई लो भाई ये वाले फूल ले लिए हमने। अब बहुत महंगे हैं यहाँ पे, बहुत ही महंगे फूल हैं। रेट देख लो भाई, ये 800 ग्राम है लेकिन INR में ना वो 1000 ग्राम लिख रहा है ना, तो 1000 ग्राम आपके ऑलमोस्ट 150 रुपये कुछ बनते हैं। ये 3 फूल लिए हैं हमने भाई और ये 500 रुपये इतने महंगे कि 3 फूल 500 रुपये के पड़ रहे हैं देख लो। ये देखो जी फूल ले लिए भाई साहब ने, लेकिन इसको पूरा ऐसा तैयार करके दिया है जैसे कि मैं किसी को देने वाला हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। उनको क्या बताएं अब की मुझे पूछा के लीजिए, मैं जाके इनको ठीक कर लूँगा, काट लूँगा फिर यूज कर लूँगा ऐसे। लो भाई पहुँचने वाले घर पे और अब ये जाएगा अपने घर इधर से, बस मैं जाऊँगा उधर नागर जाएगा इधर। हाँ तो भाई भाई बाय बाय ठीक है फिर ओके यार मिलते हैं। हाँ चलो जी मिलते हैं हम घर चल के। ओके चल ठीक है बाय। लो जी पहुँच गए घर और अब फूल रखते हैं भगवान के आगे। लो जी यहाँ रख देते हैं फूलों को आराम से और अभी थोड़ी देर बाद करेंगे हम पूजा। तो अब सब पूजा वूजा हो चुकी है और अब अपन थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे, अभी खाना वगैरह बनाया है वो खाएंगे। और आपको बधाइयाँ महाशिवरात्रि की, जय बाबा भोले की, और अपना ध्यान रखिए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कोई गलती हुई हो तो वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।